हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम एक और नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है इसके अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि हमारे वॉल्स रोटेशन क्यों प्रोवाइड की जाती है। अब अगर मैं बात करूँ हमारे इंजन के बारे में, हमारे आईसी इंजन के अंदर बेसिकली जो है दो तरीके के मेन वेल्व्स होते हैं। अब वो वेल्व्स जो है एक हमारा इंटेक वेल्व होता है, दूसरा जो है हमारा एग्जॉस्ट वेल्व होता है। अब हमारे इंजन के अंदर जो वेल्व्स हैं ये हमारे कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, मतलब कि अगर आपकी व्हीकल है तो इसके अंदर जो है हमारे इंटेक वेल्व्स के थ्रू जो है हमारा एयर एंड फ्यूल की सप्लाई होती है। दूसरी जगह जो है एग्जॉस्ट वेल्व है उसकी जो है उसके थ्रू जो है हम अपने एग्जॉस्ट गैस को टेल पाइप तक डिलीवर करते हैं। तो इन ये दो प्रोसेस के लिए जो है हमें वेल्व्स की ज़रूरत होती है। और इसी चीज़ के लिए जो है हम इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो है जब हमारा एग्जॉस्ट वेल्व होता है उसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। तो उस हीट प्रोडक्शन को जो है कंट्रोल करने के लिए जो है हम वेल्व रोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब वेल्व रोटेशन में होता क्या है कि हमने वेल्व्स को जो है सेंटर से थोड़ा जो है अलग रखते हैं, मतलब इसेंट्रिकली हम उसे सेट करते हैं ताकि जब भी हमारे रॉकर आर्म्स जो है उनको पुश करें तो वो जो है हल्के से रोटेट हों। अब इसकी रोटेशन करने से जो है हमें दो फायदे होते हैं। एक हमारा फायदा ये होता है कि इसके अंदर जो है हमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ थर्मल जो है डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखने को मिलती है। दूसरा, अगर इसकी वेयरिंग एंड टेयरिंग होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जितने भी मेटल पार्ट्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं, जब वो आपस में फ्रिक्शन में आते हैं या फिर मैं कहूँ आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो उनके अंदर जो है वेयरिंग एंड टेयरिंग के चांसेस होते हैं। तो उन वेयरिंग एंड टेयरिंग के चांसेस की वजह से जो है इसके अंदर जो है हमारे सबसे ज़्यादा फ्यूल बर्न मतलब सबसे ज़्यादा वेयरिंग होगी। तो अनइवन वेयरिंग की वजह से जो है हमें कंप्रेशन लॉस देखने को मिल सकता है। और वहीं पर जो है अगर हमारा ज़्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा अनइवन, तो वहाँ पे जो है हमें जो है एक तरफ से ज़्यादा जो है हमें कंबशन देखने को मिल सकता है, या फिर मैं कहूँ हीट डिस्ट्रीब्यूशन जो अंदर की तरफ है वो ज़्यादा रहेगा। क्योंकि वेल्व्स के अंदर क्या होता है कि हम जो है हीट जो है आउटर तरफ जो है उसके आउटर स्टेम्स की तरफ जो है हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर अनइवन रहेगा तो हमारा चांसेस हैं कि वो जो है हमारे इंजन ब्लॉक्स के साथ जो है वो स्टिक हो जाएं, और हेड के साथ भी जो है वो स्टिक हो सकते हैं। और इसके अंदर जो है हमें प्रॉपर कंबशन या फिर मैं कहूँ प्रॉपर अमाउंट ऑफ मिक्सचर का जो हमें पावर मिलना चाहिए वो जो है हमें नहीं मिलेगा। इसलिए जो है हम अपने इंजन के अंदर जो है वॉल्व रोटेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी वॉल्व रोटेशन के ऊपर। अगर आपके पास भी कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं तो आप जो है हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हर हफ्ते जो हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। धन्यवाद।